अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब के सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैं सोहेल खान, हम लोग देख रहे हैं टेकी वीडियोस का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग अपने विंडोज़ 10 के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से अपने विंडोज़ 10 के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर सकोगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस इजीली नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि एक न्यू टैब आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर सबसे पहले गूगल टाइप करोगे और अपने कीबोर्ड से इंटर कर दोगे। गूगल टाइप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डाउनलोड। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डाउनलोड लिखने के बाद आप लोगों ने सर्च बार या तो फिर अपने कीबोर्ड से इंटर पुट करना होगा, मतलब प्रेस करना होगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट ओपन है, लेकिन आप लोगों को याद रहे जो वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो आप लोगों को याद रहे, आप लोगों ने उसी ही वेबसाइट से डाउनलोड करना है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है metasploit.com। आप लोगों ने इसी वेबसाइट से इसी metasploit फ्रेमवर्क आप लोगों को यहीं से ही मिलेगा, आप लोग यहीं से ही ओरिजिनल metasploit फ्रेमवर्क का टूल डाउनलोड कर सकोगे। कभी कभी ऐसे होता है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कुछ वेबसाइट यहाँ पर ऑटो पर आती है तो हम लोग उसे ओपन कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा के पूरा कंप्लीट टूल नहीं मिल पाता। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को याद रखना होगा metasploit.com को, आप लोगों ने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के पास डायरेक्ट डाउनलोड के दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अगर मैं आप लोगों को मेटास्प्लॉइट प्रो चाहिए तो आप लोग यहां पर फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हुए उसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये होगा कि बाद में पेड हो जाएगा। आप लोगों ने मतलब फ़ी इसकी देनी होगी, फिर आप लोग इसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के प्रो को यूज़ कर सकोगे। अगर आप लोगों ने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ करना है या तो फिर डाउनलोड करना है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना होगा कि डाउनलोड के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि गिटहब के वेबसाइट का होगा। सिंपल आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे जैसे ही आओगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ लिंक्स होंगे आर्टिकल के अंदर या तो फिर पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा लेटेस्ट विंडोज़ इंस्टॉलर का। सिंपल आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड्स के बाद आप लोगों को जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क होगा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चेक कर सकते हो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आप लोगों को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का जो टूल है वो आप लोगों को कहाँ से ही कंप्लीट टूल मिल सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ ईजिली नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।